أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आज हमारा जो है ऑनलाइन पहला लेक्चर है। तो बच्चों ये जो चैप्टर नंबर टू है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और इसमें जो इस चैप्टर का नाम है बच्चों वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों कि जैसे एक इंसान होता है, ठीक है बच्चों जैसे इंसान होता है इंसान के हिस्से होते हैं, उसके बॉडी के हिस्से होते हैं, जैसे कि सर है, ठीक है हाथ है, पांव है, फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं तब जाके एक इंसान मुकम्मल बनता है। तो बच्चों इसी तरह से जो है कंप्यूटर जो होता है उसके भी हिस्से होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों इसी तरह से जैसे इंसान के होते हैं इसी तरह से कंप्यूटर के भी पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? तो सबसे पहले जिसमें बच्चों आप जो है कंप्यूटर की चीजें देख रहे होते हो, कार्टून देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो वो बच्चों होता है मॉनिटर। पहला उसका हिस्सा है मॉनिटर। तो बच्चों आप अपनी जो बुक है बुक का पेज नंबर जो है 13 देखें, बुक का पेज नंबर 13 देखें बच्चों, तो उसमें आपको पहले ही उसके पेज पे ये जो है मॉनिटर की जो है पिक नजर आ रही होगी। इसको अगर आप गौर से देखें ऊपर जो है मॉनिटर लिखा हुआ भी है। तो मॉनिटर का काम होता है आपके जो भी चीज आपने डाली है कंप्यूटर के अंदर उसकी वीडियो दिखाना। उसके बाद बच्चों होता है सीपीयू। सीपीयू का बच्चों काम होता है कि जितना भी कंप्यूटर को कंट्रोल या जो भी काम करवा रहा होता है वो बच्चों होता है सीपीयू। तो ये आपको नजर आ रहा होगा सीपीयू का दूसरा नाम जो है हम इसको सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं बच्चों। समझ आई बात की? और उसके बाद जो होता है वो है हमारे पास कीबोर्ड। बच्चों कीबोर्ड क्या है ये अगर आप गौर से देखेंगे नीचे जो पड़ा है इसको कीबोर्ड बोलते हैं। कीबोर्ड का जो है काम क्या होता है जो उसके ऊपर छोटे छोटे जो है बटन लगे होते हैं आप दबाते हो, ABC लिखते हो, वो सारी चीजें जो होती हैं वो आप लिखते हो कीबोर्ड से। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है कंप्यूटर का में जो है जो उसका चौथा हिस्सा है वो आता है माउस का। बच्चों माउस, माउस का काम क्या होता है वो जो इस तरह से जो है एक कर्सर जो है एक तीर का निशान जो है वो मूव कर रहा होता है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर वो जो माई कंप्यूटर का ऑप्शन आता है उसमें ये क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा चल पड़ेगा, उसमें जो चीजें होगी वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो आप माउस की जो होती है ना शक्ल बच्चों इस तरह से होती है कुछ इस तरह से, यहां से इस तरह से और इधर से ये इस तरह। ठीक है बच्चों इस तरह से जो होती है माउस की शक्ल होती है। यहां पर जो होता है अगर यहां से बनाए यहां से ठीक है, और अगर इस तरह से जो है इस तरह से अगर आप बनाए कि इधर से इस तरह से इस ऐसे तो फिर भी ठीक है।
और यहाँ से इस तरह से होता है। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे फिंगर रखते होते हैं, ये वाली दबाते हैं, ये वाली दबाते हैं, यहाँ से इसको दबाए ना तो वो सिलेक्ट होता है। उसके बाद होता है बच्चों स्पीकर। स्पीकर का जो काम होता है, जो आप जो है सॉन्ग या कोई भी चीज सुनते हो, तिलावत कलाम पाक सुनते हो, वो आप कहाँ से सुनते हैं? ये स्पीकर जब चलते कुरान किया जाता है तो तभी उसी से सुनते हैं बच्चों। तो ये जैसे कि ये आपको नजर आ रहे होंगे, इन्होंने जो है बुक वालों ने भी लिखे हैं कि बनाए एक सिम की ये जो है स्पीकर होते हैं। और उसके बाद बच्चों होता है माइक्रोफोन, जिसे हम आम जबान में जो है माइक बोलते हैं। जैसे कि बच्चों आपको भी नजर आ रहा होगा, मैंने भी ये जो है माइक का इस्तेमाल किया हुआ है बच्चों। इससे मैं डाटा जो है, मैं अपनी आवाज जो है आप तक मुंतकिल कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है प्रिंटर। प्रिंटर आपने हमारे स्कूल का ऑफिस है उसमें भी आपने देखा होगा कि आपके जो पेपर्स होते हैं वो टोटली होते हैं, हम उसी से प्रिंट निकाल के जो है आपको जो है जब आपसे पेपर लेना होता है हम लेते हैं। तो बच्चों वो प्रिंटर का काम ये होता है, उसको कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है और कंप्यूटर अटैच उसके साथ करने के बाद जो भी कंप्यूटर में डाटा होता है वो हम पेज के जरिए से आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमारे कंप्यूटर के कुछ हिस्से थे, इनके बारे में आज हमने पढ़ा है। तो बच्चों आपका आपके जिम्मे जो काम होगा वो ये होगा कि आपने सारे ये कंप्यूटर्स के ये जो पार्ट्स हैं, मैंने 7 आपको लिखवाए हैं, तो बच्चों आपने इनको अच्छी तरह से लर्न भी करना है और प्लस इसके बारे में राइट भी करना है। तब तक के लिए बच्चों आपसे इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।